नीरू का बेटा फौज में बड़ी पोस्ट पर था। वो हमेशा तैनाती में बाहर रहता। घर में अकेली नीरू बोरियत महसूस करती थी। नीरू की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि वो अपने बेटे की शादी करवा दे, बहू के आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। बेटा अपार, तू तो फौज में रहता है, मुझे घर में अकेलापन काटने को दौड़ता है। तू एक काम कर बेटा, शादी कर ले, फिर बहू के साथ मैं घर में आराम से रहूंगी। क्या माँ, मैं जब तक मेजर नहीं बन जाता शादी नहीं करूँगा। तुम कहीं घूमने उमने जाया करो, लेकिन शादी की बात मत करो। इतना कहकर अपार वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते वक्त उसे माँ की भी चिंता रहती है। एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। नीरू दरवाजा खोलती है तो सामने एक सुंदर सी लड़की साड़ी पहनकर सर पर पल्लू रखकर खड़ी होती है। कौन हो तुम बेटा, और तुम्हें किसने भेजा है? मेरा नाम कंचन है और मैं आपके बेटे अपार की बीवी और आपकी बहू हूँ। तभी घर का फोन बजता है। नीरू फोन उठाती है तो अपार का फोन होता है। माँ, कंचन आ गई। वो आपकी बहू है माँ, और मैंने उससे शादी कर ली है। आप अकेली रहती है तो मैंने आपके लिए शादी कर ली माँ। अच्छा बेटा, बहू तो आ गई, बहुत सुंदर है, अब ना मैं आराम से घर में खुश रहूंगी। इतना कहकर नीरू जैसे ही कंचन की तरफ देखती है, वो उसके पैर छूती है। नीरू कंचन को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती है। अरे, सारा घर कितना चमक रहा है, इतनी सुबह घर का सारा काम किसने किया? तभी कंचन हाथ में स्वादिष्ट नाश्ता और चाय लेकर आती है और टिपॉय पर रखकर कंचन के पैर छूती है। बहू को देखकर नीरू काफी खुश हो जाती है। वो कंचन से कहती है, कंचन बेटा, आज मेरे घर में किटी पार्टी है, तुम मेरी सहेलियों के लिए कुछ अच्छा बना लेना। माँ, मुझे अच्छा बनाना नहीं आता, आप बता दीजिए मैं बना दूंगी। अरे मैं भी तो नहीं जानती। ऐसा कर, शाम को इटालियन खाना, सी फूड और हाँ चाइनीज खाना बना लेना, ठीक है? कंचन नीरू की बात सुनकर खुश हो जाती है। हाँ माँ, मैं तो ये सब बना सकती हूँ, आप चिंता ना करें। शाम को नीरू की सहेलियाँ आती हैं, जहाँ कंचन अकेले बनाए स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती है। वो सारी सफाई कर सबको खुश कर देती है। कंचन अंदर किचन में जाती है कि तभी नीरू की सहेली बोल पड़ती है। अरे नीरू, तेरी बहू तो बड़ी परफेक्ट है, तेरी हर बात मानती है और सारा काम भी अकेले करती है, तुझे शिकायत का मौका भी नहीं देती। लेकिन क्या फायदा, बेचारी नीरू का जीवन तो बहू के आने के बाद भी बोरिंग का बोरिंग ही रहा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है, अब तो मेरे साथ मेरी बहू भी रहती है। हाँ रहती तो है, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सारे काम इसलिए करती है कि तुझे लड़ाई करने का कोई मौका ना मिले और तू फ्रस्ट्रेट हो जाए, समझी? नीरू भोली सूरत बनाकर कहती है, नहीं मैं नहीं समझी। अरे घर में सास बहू की लड़ाई ना हो तो घर भी भला घर लगता है क्या? मेरे घर में ही ले ले, सुबह से बहू के साथ लड़ाई में इतनी चहल पहल रहती है कि मन हमारा भी लगा रहता है। और कमरे में जाती है जहाँ कंचन उसके पैर दबाने लगती है। नीरू को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे लड़ाई करना चाहती है। बहू, दर्द पैर में नहीं सर पर है और तू मेरे पैर दबा रही है। मैं सर दबा देती हूँ माँ जी। ये कहकर वो उसका सर दबाने लगती है। तू एक काम कर, मेरे लिए बादाम वाला दूध ले आ, जा। कंचन जाकर सास के लिए दूध ले आती है। अब नीरू उसे जो कहती कंचन झट से कर देती। बहू, जरा छत से जाले निकाल दे। जी माँ जी। कंचन 5 मिनट में ही पूरे घर के जाले साफ कर देती है। नीरू तो देखती की देखती ही रह जाती है। कमाल है, ये तो हर काम कर रही है, तरस गई मैं तो इससे लड़ाई करने को। इतना कह के नीरू चली जाती है। नीरू को एक दिन कंचन पर इतना गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है, आज तो उससे लड़कर ही रहेगी। मौका देखकर नीरू कंचन को पैर से लंगड़ी देकर गिरा देती है। जिसके बाद जो होता है, नीरू को विश्वास ही नहीं होता। जमीन में 2 भागों पर गिरी कंचन के सारे पुर्जे बिखर जाते हैं स्प्रिंग, और उसके अंदर से रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तभी घर की घंटी बजती है। नीरू डरकर दरवाजा खोलती है तो सामने अपार खड़ा होता है। क्या हुआ माँ,
तुम इतना डर क्यों गई? कंचन ने कुछ किया क्या? कुछ कहा क्या उसने? मैं अभी बताता हूँ। अरे माँ, तूने ये क्या किया? कंचन को तोड़ दिया? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने रोबोट को तुम्हारी बहू बनाकर भेजा था, जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो और तुम खुश रहो। माँ, ये तो इंसान थी भी नहीं, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती थी। फिर आपने इसे क्यों तोड़ा? क्या गलती थी इसकी माँ? बेटा, इसकी सबसे